हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार राजमा मसाला की रेसिपी। ऐसे तो आपने बहुत बार ढाबों में, रेस्टोरेंट्स में राजमा मसाला ज़रूर खाया होगा और बहुत मज़े का भी लगता है, लेकिन कई बार दिल करता है कि हम घर पर राजमा मसाला तैयार करें। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ही हम यहाँ पर आपको राजमा मसाला बनाने की रेसिपी देने वाले हैं। लास्ट तक देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं हमने ये राजमा मसाला की रेसिपी किस तरह तैयार करी। यहाँ पर राजमा मैंने करीब 2 से 2.5 कप भिगो दी थी, 8 से 8 घंटे ये भीग चुकी है। अब हमने क्या करना है कि इसे उबाल लेना है। तो उबालना किस तरह से वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें 1 चम्मच नमक, साथ ही यहाँ पर 1 चम्मच सौंफ डाल रही हूँ। सौंफ से इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। एक बार आप ज़रूर इस तरह से बना कर देखिएगा। साथ ही मैं यहाँ पर 2 तेज़पत्ते डाल रही हूँ। अब इसको हमने प्रेशर कुकर में डाल करके गला लेना है। मैं गला लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे हमने इसको किस तरह से तैयार करना है। दाल को हमने गलने के लिए रख दिया। जब तक दाल गल रही है प्रेशर कुकर में, करीब हमने 1 से 1.5 घंटा उसे पकाना है। आप अपने प्रेशर कुकर का हिसाब देख लीजिएगा। तो जब तक दाल पक रही है, मैं आपको कुछ इन्ग्रीडियंट्स दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने करीब 300 ग्राम्स लिए हैं प्याज, 250 से 300 ग्राम है क्योंकि दाल भी हमारी काफ़ी ज़्यादा है। और यहीं पर मैंने कुछ गरम मसाले लिए हैं। यहाँ पर 1 चम्मच जीरा लिया है, 2 बड़ी इलायची ली है, 10 से 12 लौंग ली है, 1/2 चम्मच काली मिर्च ली है। ये सब मिला करके हमने पेस्ट बना देना है। तो चलिए पेस्ट बना लेते हैं, फिर हम ग्रेवी तैयार करते हैं जब तक हमारी दाल भी गल कर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने जो आपको गरम मसाला और प्याज दिखाया था उसका हमने पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पर एक बर्तन में करीब हम 1/2 कप ऑयल ले लेंगे। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर हम जो प्याज और हमने गरम मसाले का पेस्ट बनाया था वो हम इस गर्म ऑयल में डाल देंगे। तो इसको हम भूनते हैं, तब तक के मैं आपको टमाटर दिखा देती हूँ। अब प्याज हमने भूनने के लिए रख दिए, दूसरी तरफ राजमा भी हमारी गल चुकी है। अब यहाँ पर मैंने जितने प्याज लिए थे उतने ही यहाँ पर टमाटर लिए हैं। 300 ग्राम हमने टमाटर लिए हैं, इनको रफली चॉप कर दिया है। अब इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने टमाटर का भी पेस्ट बना लिया है। अब देखते हैं कि हमारा मसाला किस तरह से भुन चुका है, कितना भुन चुका है और क्या हमें आगे करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर प्याज हमारा भुन रहा है, काफ़ी छींटे आ रहे हैं। तो हम इसको ढक करके भून लेते हैं, फिर हम आपको इसको दिखाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो प्याज है वो काफ़ी भून चुका है, ठीक है। अब जो हमने टमाटर पीस कर रखे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने टमाटर भी ऐड कर दिए। अब इसको भी हमने अच्छी तरह भून लेना है। अब इसमें हमने टमाटर डाल दिए, साथ ही हम इसमें मसाले डालेंगे। जब तक टमाटर भुनेगा, टमाटर और प्याज के साथ साथ मसाले भी भुन जाएंगे और उनका कच्चापन निकल जाएगा। तो चलिए अब मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यहीं पर 1/2 चम्मच से भी थोड़ा सा कम हमने डाला है हल्दी पाउडर। यहीं पर हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच नमक, जिससे कि मसाला भुनने में आसानी हो जाए। और नमक हमने उबलते हुए राजमा में भी डाला था, तो इसलिए हम नमक यहाँ पर बहुत थोड़ा सा डालेंगे। अब यहाँ पर डाल रहे हैं हम 1 चम्मच धनिया पाउडर। तो इसमें मैं लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। अदरक हम बाद में चाहें तो काट करके डाल सकते हैं, और मैं भी इसमें काट कर डालूँगी। पीस करके भी आप इसमें डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर काट कर डालूँगी। तो बस अब हमने इसको अच्छे से भून लेना है, जब तक कि थोड़ा सा ऑयल ना निकल जाए इसका, ठीक है। तो अब हम इसे भून लेते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे, और साथ साथ चलाते रहना है, ठीक है। तो चलिए तैयार कर लेते हैं इसको भून करके। तो यहाँ हम इसको बीच बीच में चलाते रहे थे, और ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये भून चुका है, ठीक है। इसी तरह से हमने भूनना है, बिल्कुल पानी इसका सुखा लेना है। और अब जब ये भून चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे ये उबला हुआ राजमा। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे, मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर आप चाहें तो राजमा मसाला भी डाल सकते हैं, और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चना मसाला, जो कि मैंने आपको बनाना बताया हुआ है। करीब 4 चम्मच है ये, 5 ml का स्पून लिया था मैंने।
तो बस इसको हम मिक्स कर देंगे। और ये देखिए बस इसे अब थोड़ा सा उबाल आने देते हैं अच्छी तरह, जिससे कि जो राजमा है, मसाले हैं, वो सब घुल मिल जाए, एक जान हो जाए। बहुत ही मज़े का ये राजमा बनने वाला है। तो चलिए इसको हम पकने देते हैं। तो चलिए इसे खोल कर देख लेते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से, ये अच्छे से उबल चुका है और जो हमारी राजमा है, मसाले हैं, वो सब अच्छे से मिल गए हैं। राजमा को आपने बहुत अच्छी तरह से गलाना है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से गली हुई है, इसे हमने घोटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने पहले ही इतनी अच्छे से गला ली थी राजमा। तो अब हमने क्या करना है, इसमें डालना है अदरक, करीब मैंने 2 इंच का टुकड़ा लिया और उसको बारीक काट लिया। आप चाहें तो पेस्ट बना करके भी मसाले के साथ भून सकते हैं। तो बस अब हमने अदरक डालने के बाद इसमें डाल देना है हरा धनिया और फ्लेम कर देनी है बंद। हमारी राजमा तैयार हो गई है। कुछ सेकंड हम इसको ढक कर के रखेंगे जिससे कि धनिए की खुशबू इसमें रम जाए। उसके बाद हम इसे करते हैं सर्व। तो ये लीजिए एकदम ढाबा स्टाइल राजमा मसाला हमारा तैयार है। और इसको ज़रूर बनाइएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और आप देखिएगा आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप इसे चावल के साथ, पूरियों के साथ, रोटी के साथ, बटर नान के साथ कैसे भी इंजॉय करेंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगा, ज़रूर मज़ा आएगा इसको बना करके। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।